तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंड्रॉयड, ये जो पावर बटन देख रहे हैं आप, ये फिक्स करने का प्रॉब्लम। तो ये कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है, तो इसे कैसे चेंज किया जाता है वो मैं दिखाऊंगा। तो मेरे पास ये वाला जो बटन है ये मेरे पास नया नहीं है, तो इसलिए मैं इसे चेंज करूंगा। देखिए किस तरह से करता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है BSNL पेंटा के एक टैब है, तो चलिए इसे खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं ये खोल लिया मैंने। उसके बाद ये देख सकते हैं ये पावर बटन का जो ऊपर का हिस्सा है वो, और ये जो PCB आप देख रहे हैं, ये जो साइड से जो भी शोल्डर किया हुआ है वो खोलना पड़ेगा। तो खोल लेते हो। उससे पहले ये जो बैटरी का कनेक्शन है ये खोलना पड़ेगा। ये है एंटेना, खोल लिया। उसके बाद ये जो बेल्ट है, ये है डिस्प्ले का जो बेल्ट है, इसे खोलते हो। ये खुल गया। और उसके बाद जो टच का जो बेल्ट है, स्क्रीन टच जो आप PDA बोलते हैं, उसका बेल्ट ये भी खोल लिया। ये ध्यान रहे, खूबी सावधानी से खोलना पड़ेगा। ये स्क्रू खोल लेते हैं। तो देख रहे हैं ये PCB मैंने अलग कर लिया है। PCB अलग करने के बाद ये अभी भी चालू है, मैंने ये ऑफ नहीं किया है। ये नीचे वाला जो बटन देख रहा है, ये रीस्टार्ट का बटन, ये जो ये बटन मुझे चेंज करना है, रीस्टार्ट का ऊपर का बटन। तो इसे बैटरी का एक सिरा खोल लेते हैं। तो अब मेरा मदरबोर्ड ऑफ है। तो ये वाला बटन खोलना है, तो थोड़ा पेस्ट लगाइए। हल्का सा पेस्ट लगा दीजिए। उसके बाद आप हॉट एयर गन से, हॉट एयर गन के माध्यम से ये खोल सकते हैं। ये देख रहे हैं मैंने हॉट एयर गन से माध्यम से खोल रहा हूँ इसे। ये जब तक से खोल ना जाए हिट देता रहो। तो थोड़ा शोल्डरिंग रीशोल्डरिंग करके देखते हैं। दोस्तों अगर ये चैनल पे आप नया है तो मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोबाइल और कंप्यूटर इसके संबंध से मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये देख रहे हैं वहाँ पर क्लीन कर लिया है मैंने। तो मेरे पास बटन नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, ये जो पावर बटन देख रहे हैं आप, पावर बटन के ऊपर जो वॉल्यूम अप और डाउन बटन देख रहे हैं, ये वॉल्यूम डाउन बटन मैं खोल के बाहर लगा दूंगा और जो पावर बटन था वो इस जगह पे लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरे पास नया बटन नहीं है इसलिए मैं ये तरीका निकाल लिया है, क्योंकि ये बटन वो जगह लगा दूंगा, ये और वो वाला पावर बटन इस जगह लगा दूंगा। आप नया लगा सकते हैं, इस तरीके से करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये
मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं ठीक उसी तरह से हीट देकर ये भी पावर बटन सॉरी ये भी वॉल्यूम डाउन बटन खोल लिया है। ये बटन तो एक ही है, डिपेंड करता है वो कौन सी जगह पर बिठाया है, इसके बाद ही वो पावर बटन बन जाता है, वो वॉल्यूम बटन बन जाता है। ठीक है, तो पहले पावर बटन जहाँ से खुला है उस बटन को ये वॉल्यूम डाउन बटन पे लगा देता हूँ, तो हॉट एयर गन से मध्यम से लगा रहा हूँ। इससे शायद मेरे ख्याल से नहीं होगा, इसलिए मैं शोल्डरिंग आयरन से लगा रहा हूँ। ये जहाँ से खुला है अच्छी तरीके से शोल्डर कर देना है। तो ये देख रहे हैं, ये थोड़ा शोल्डर हो गया है। ध्यान रहे एक से एक एक भी कांटेक्ट के साथ साथ जुड़ ना जाए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने वहाँ पर नया बटन नहीं लगाया हूँ, आप नया बटन लगाइए, मेरे पास बटन नहीं है इसलिए मैंने वो तरीका निकाला हूँ, तो आप ज़रूर नया बटन लगाइए। तो उस जगह पर जिस तरह से खोला हूँ मैं उसी तरह से रिशोल्डर कर देना है। तो ये शोल्डर जिस तरह से दूसरा वाला किया है इसी तरह से, अब ध्यान रहे एक के साथ एक भी जोड़ ना जाए। तो ये मैंने लगा लिया है, उसके बाद आप पीसीबी को जिस तरह से खोला है टैब से उसी तरह से लगा दीजिए। ये आप टैब एंड्रॉयड फ़ोन किसी भी से इस तरह से ही खोल सकते हैं, और एंड्रॉयड फ़ोन में दूसरी तरह से एक पावर बटन आता है जो कि बेल के साथ, वो वाला अलग है। उसका वीडियो मैं नेक्स्ट में लेके आऊँगा कैसे वो रिप्लेस किया जाता है। तो जिस तरह से मैंने वो बेल्ट खुला है, ये है पीडीए का बेल्ट है बोले तो टच स्क्रीन का, और ये डिस्प्ले का बैटरी का जो ग्राउंड वाला मैंने खोला था उससे वही जगह पर लगा देता हूँ। ये शोल्डर कर लिया है, ये शोल्डर हो रहा है, तो ये बैटरी वही जगह पर चिपक गया है। उसके बाद जो ये से पावर बैटरी में थोड़ी सी कोई भी चार्ज नहीं है, ये डिस्चार्ज हो गया था, ये ऑन करके देखते हैं ये ऑन हो रहा है कि नहीं। ये ऑन हो गया, अब अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो इस बैटरी को मैंने इससे पहले मैं ये जो एंटेना का वायर है इसे जोड़ देता हूँ वहीं से, और अब जो माइक्रोफोन और वाइब्रेटर मोटर जहाँ से लगा था वही लगा देता हूँ। उसके बाद बैटरी को अच्छी तरह से सेलोटेप से चिपक
तो ये देख रहा है सेलो टेप लगा रहा हूँ कि अच्छा तरह से, अच्छी तरीके से चारी साइड, हर साइड से इसे लगाना है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ ये घंटे वाला आइकन को दबा लीजिए क्योंकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। तो ये देख रही है जहाँ से मैंने खुला था वहीं से सेट कर रहा हूँ, और उसके बाद ये बंद कर रहा हूँ, यह है बटन। तो देख रहा है इससे कोई स्क्रू नहीं है, इस तरह से बंद किया जाता है, ये ढंग से काम कर रहा है, ये पहला पहली बार इस तरह से काम नहीं कर रहा था। और अब जो खराब बटन वहाँ वो वॉल्यूम डाउन पर लगाया था वो भी ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं देखता हूँ। हाँ, उस वाला स्विच में भी अब काम कर रहा है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कभी कभी वो भी काम नहीं करता था। तो मेरे पास बटन नहीं था इसलिए लगाया, आप जरूर से नया बटन लगाइए। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।